सब लोग, आशा करते आप सब अच्छे होंगे। और सुबह सुबह मैंने घर का सब काम करके, मतलब बासन बर्तन धो के, चाय पी के, सब काम के, नहा के चली आई हूँ। अभी थोड़ा खाना बनाना है तो चलो पहले खाना बना लेती हूँ अभी। तो ये देखो, मैं अभी करेले को फ्राई करूँगी और भिंडी भी फ्राई करूँगी, और राइस बन चुका है। और यहाँ पे मैं चना अभी भिगो दूँगी क्योंकि रात में बनाऊँगी इसको, तो भिगो के भी रखना पड़ेगा। तो अभी इसको भिगो के फिर रात में बनाऊँगी। और दाल अभी बना लिए है, तो आज का डिनर और लंच यही से करना है। तो यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया है, तो फटाफट से ये करेले को फ्राई कर लेते हैं। और ये देखो दोस्तों, बाहर कितना अंधेरा हो छा हुआ है, बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो बैलकोनी से दिखाती हूँ। तो देखो, मैंने बोला कि बाहर कितना अभी भी क्लाउडी है थोड़ा सा, लेकिन सुबह धूप निकला था, लेकिन अभी थोड़ा सा क्लाउडी होके बारिश भी हो रहा है थोड़ा बहुत। और ये देखो हमारा सब बैलकनी में ये सब पौधे भी बहुत अभी बढ़ रहा है, तो थोड़ा कट छट भी करना पड़ेगा, नहीं तो जंगल हो जाएगा। तो इस तरह से ये पौधा भी देखो कितना ग्रो कर रहा है अभी, तो ये सब। और यहाँ पे भिंडी धो के भी काट लिया हूँ, तो इसको भी फ्राई कर लेंगे करेला फ्राई करने के बाद। तो अभी तो वेदर भी बहुत, अभी कभी बारिश हो रहा है, कभी धूप निकला है, पर पता नहीं क्या होगा। तो मैं जो प्रॉमिस की थे खुद अपने आप को कि शाम को थोड़ा सा वॉकिंग करूँगी, तो वो पॉसिबल होगा तो पॉसिबल करना ही पड़ेगा, वो भी करूँगी। और आप लोगों को कल जो दिखाया था ना, विशाल मेगा मार्ट और रिलायंस से मैं कुछ सामान खरीदी थी, तो वो मैं दो दो चीज़ दिखाना भूल गई। मेन चीज़ ये जो ग्लास है, ये वाटर बोतल है, ये ग्लास का वाटर बोतल है। तो मैंने सुना था कि ग्लास का वाटर बोतल से पानी पीना अच्छा रहता है, तो इसलिए मैंने ये एक वाटर बोतल भी खरीदा। और इसका 79 रुपीस इसका बोतल का प्राइस है। और है वाह, जनाब के लिए एक पीलो भी, इस तरह सा एक तरह से एक पीलो भी मैंने खरीदा, ये भी 100 रुपीस का है, तो अच्छा है, सॉफ्ट भी है। तो ये एक पीलो मैंने लिए थे। बोला मैंने वीडियो में कि जनाब का अभी थोड़ा सा बहुत काम चल रहा है, इसलिए हम लोग वॉकिंग करने निकल पड़े। वो जनाब को भी समझ में नहीं आया, आप लोगों को भी समझ में नहीं आया। इसका मतलब है कि जनाब काम कर रहा है, ज़्यादा काम है, इसलिए हम लोग जो रील बनाने विश्व बांग्ला के सामने जाते थे, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है इस वीक में। तो मैं हम लोग अभी रील नहीं बना रहे, तो घर में ही अगर हो सके तो बनाऊंगी। तो इसलिए ये बातें मैं बोली कि काम है, इसलिए मैं हम लोग वॉकिंग करने अभी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है मैं हम लोग उतना दूर नहीं जा पा रहे, तो इसलिए पास में ही वॉकिंग कर रहे हैं। शाम हो चुकी है, तो हम लोग थोड़ा सा अभी निकलेंगे, चाय पियेंगे और फिर वॉकिंग के लिए जाएंगे। तो जनाब प्रॉमिस तोड़ रहा था, तो बोला कि आज मन नहीं कर रहा है, नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, प्रॉमिस ब्रेक नहीं करना चाहिए। और कल तो मुझे अकेले अकेले तुम्हें तो अगर मैं जाए तो थोड़ी खुद भी जाऊंगी, खुद अकेला जाना चाहिए, नहीं लेकिन मैं अगर अकेले नहीं भी नहीं जाऊं जाऊंगी, साथ तो अकेला जाना चाहिए। नहीं तो हम दोनों ही जाएंगे, दोनों का ही वेट लॉस करना है। तो फिर हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो ये कौन कौन पहनेगा? तो ये पहनो, पहले ये तुम बोल पहने, रहा एक ही तो है। नहीं स्टेप नहीं तुम्हारा फेलेंगे अलग ना अलग होता है, तुम्हारा स्टेप मेरा स्टेप अलग होता है। देखते ना, इतना तुम कर पहनो, तुम पहनो, पहनो, ये मेरे हाथ में ये बड़ा हो जाएगा। होता गर्मी 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 है। जल्दी पकड़ो, गर्मी गर्मी लग रहा है। चलो ठीक है, पहनते। तो फ्रेंड्स, बारिश हो रहा है बाहर। तो हाँ ये कर लो पहले। जा नहीं फ्रेंड्स, पाए मैडम। हाँ तो आज नीचे जा रहे, तो बाहर से, यहाँ से अंदर, घर के देखो मेरा अंदर, भी मन नहीं था जाने का, तो मेरा मन सुन लिया। तो घर के अंदर तो पता नहीं चलता, मैं खोल बैलकोनी खोल के देखा भी नहीं, तो ज्यादा बारिश नहीं हो रहा है? नीचे जाके देखा, ज्यादा ही हो रहा है, वो छतरी लेके चलना हाँ छतरी पड़ेगा। लेके जाना पड़ेगा। तो बारिश नहीं गए, तो घर पे ही थोड़ा सा अभी वॉक कर लिए, तो थोड़ा सा, कल तो 100 कैलोरी बर्न हुआ था, वो ऐसे कुछ बन भी रहा है नहीं देखो, होता बहुत है। अच्छा, और बहुत ठीक है, अभी बहुत बढ़िया। देखा कि 17 कैलोरी बर्न हुआ है, तो उससे तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा एक्सरसाइज थोड़ा सा कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो मैडम अभी पौधों को पानी वगैरह दे रहे हैं।
और ये तो आप लोगों को तो बोला रात को चना के घूंगनी बनाऊंगी, तो अभी बॉईल करने इसमें दे दिया हूँ। बात है, रात को खाना बनाने के एक एडवांटेज है। प्यारी समझ गई। तो जनाब का तो रात को काम नहीं रहता है, तो जनाब हेल्प कर देता है मेरा, तो मुझे आधा काम करना पड़ता है, आधा जनाब कर देता है। तो जनाब भी खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो मैं थोड़ा भी आलू प्याज काट लेती हूँ पहले। दोस्तों ये देखो, यहाँ पे चने भी बॉईल हो गया है और आलू को फ्राई करने दे दिया हूँ, तो फटाफट से बना लेती हूँ। और जना भी यहाँ पे प्याज आलू वगैरह काट के मुझे दिया है, तो ये एक फ़ायदा है। मैंने जो बोला आपको, ये एक फ़ायदा होता है कि रात को खाना बनाने में, तो जना भी सारा ये सब आलू प्याज टमाटर काट के दिया है, मसाला भी रेडी करके दिया है। मैं सिवा भी बनाऊंगी, जना भी बना रहा था तो मैंने बोला नहीं तुम रखो मैं बनाती हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे वो बॉयल भी हो चुका है और आलू फ्राई करने भी दे दिया हूँ, तो फटाफट से बना लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है नेक्स्ट डे और मैं अभी डिनर बनाने वाली हूँ, तो रात हो चुकी है। सुबह से मैं वीडियो एडिट करने वाली कर रही थी, तो बहुत टाइम लग गया, तो सुबह से मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई। तो अभी बारिश हो रहा है बाहर और जनाब गया है बाज़ार करने, तो मैंने बोला जनाब को थोड़ा सा चिकन लेके आओ, तो अभी थोड़ा सा चिकन ही बनाएंगे। तो फटाफट से मैं सब्जी वगैरह भी काट लेती हूँ, जनाब शायद पैदल ही गया है स्कूटी, तो मैंने यहाँ पर सारे सब्जी भी काट लिए हैं। तो ये सारा छोटा नमक मैं छोटा मिर्ची मैं बाद में दूंगी, और ये पेस्ट करने के लिए दूंगी, ये मिर्ची लहसुन और अदरक ये पेस्ट होगा। तो ये देखो जना बाजार से सब्जी वगैरह भी लेके आई है, आप पे है आलू प्याज और ये साग लेके भी आए हैं। तो चिकन अभी मैं फ्रेश करके धो लिया हूँ, तो फटाफट से मैरिनेट कर लेती हूँ इसको। तो देखो जनाब कितना काम करता है मेरा हेल्पर, तो यहाँ पे मैरिनेट करके भी रख दिया था, मैं तो पेस्ट नहीं किए, तो आप लोगों को दिखा है वो काट के सब सब्जी वगैरह रख दिए थे, मैरिनेट करके जनाब अभी यहाँ पे रख दिया है। तो मैं अभी कढ़ाई में दे दूंगी, फिर जनाब बाद में वो सारा चिकन वगैरह बना लेगा। देखो जनाब तो आ गए, मैं घर के इतना सारा काम कर दिए, लेकिन जनाब बोले कि मैं चिकन बनाऊंगी। अभी सो के इंस्टाग्राम रील देख रहा है यहाँ पे बैठ के। लैब लैब क्या होता है, बनाओ ना, तुम अच्छा बनाती हो, बनाओ बनाओ। नहीं नहीं बनाओ, नहीं नो मीन्स नो। क्या बोले ओवन पे की बोले बोलो ना क्या बोलते उसको, बोलो पता नहीं यो कौन सा बसा ही किया है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। ओवन के ऊपर चढ़ा दिया है, चढ़ा दिया है, चढ़ा दिया है। तो जाओ जल्दी से बना लो, ये खुला लग रहा है, थोड़ा दूर से करो। दूर से करूंगी तो तुम्हारा बॉडी दिख जाएगा, तो फिर तुम्हें शर्म भी आ जाएगा। हे भगवान ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों आज इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, तो फटाफट से अभी डिनर भी कर लेंगे। चिकन बनाए हैं तो यम्मी चिकन, और राइस तो मैं दोपहर को बना लिए थे तो राइस भी है, तो फटाफट से डिनर कर लेती हूँ। तो इस ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं प्रॉमिस किया हूँ कि खुद को किया हूँ कि वॉकिंग तो करेंगे एक, और खुद डेली जो ब्लॉगिंग होता है तो डेली ब्लॉगिंग करने की भी कोशिश करूँगी। तो आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए कि मैं मोटिवेट हो जाऊँ और डेली ब्लॉग करूँ। तो आप लोगों को ये ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके भी बताइए। तो आप सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।